नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जीएसटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार कंपनसेशन बढ़ाने या घटाने का निर्णय ले सकता है। गहलोत ने पत्र में लिखा है कि संविधान संशोधन के तहत अनेक राज्य करों को जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र लिखा। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से जीएसटी को लागू करते समय राज्य सरकारों से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे कुछ करों का अधिकार राज्य सरकारों के लिए छोड़ने का आग्रह किया। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह के निवास पर सोमवार दोपहर एसीबी ने कुलपति के निजी बॉडीगार्ड को 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बॉडीगार्ड रंजीत कुमार नागौर की एक निजी कॉलेज के प्रतिनिधि से कुलपति के बंगले पर ही रिश्वत की रकम ले रहा था। रंजीत कुलपति के निजी सहायक ड्राइवर और कथित बॉडीगार्ड के रूप में सालों से काम कर रहा था। राजसमंद के राजनगर पुलिस ने इंश्योरेंस के जरिए ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य अपने को भारतीय बीमा नियामक कार्यालय दिल्ली का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। अब तक इन्होंने करोड़ों रुपए की ठगी की है। राजसमंद में नरेंद्र प्रकाश पुत्र नवरतन मल जैन निवासी कबूतर खाना राजनगर के साथ हुई ठगी के बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आर्थिक हालातों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने सोमवार को पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा है कि जीडीपी तो -23.8 पहुंच गई है और पीएम मोदी अपने आवास में बैठकर मोर को चुग्गा खिला रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान को याद कर रहा है। जब पूरा विश्व मंदी से जूझ रहा था तो यूपीए शासन में विकास तेजी से आगे बढ़ रहा था। डोटासरा ने कहा कि पीएम मोदी को सरकार संभालने के बाद दो ही चीजों के लिए जाना जाता है, पहला चुनाव के वक्त झूठे वादे करना और दूसरा प्रधानमंत्री के बाद विदेशों के दौरे करना। कोरोना संक्रमण के कारण 6 माह से बंद पड़े मंदिरों को सरकार की गाइडलाइन के बाद सोमवार को खोला गया। मंदिरों में सरकार की एडवाइजरी के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा सैनिटाइजर की अनिवार्यता रही, लेकिन क्षेत्र के मंदिरों में श्रद्धालुओं का टोटा रहा। मंदिरों में इक्के दुक्के को छोड़कर श्रद्धालु दिखाई नहीं दिए। एसडीएम राजवीर सिंह यादव, थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने भीमसेन डूंगरी, गणेश मंदिर, मनसा माता मंदिर सहित बड़े मंदिरों का दौरा कर मंदिरों में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान मंदिर प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रदेश में 3,848 पंचायतों में चुनाव होने हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। पंचायतों में 4 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। अधिसूचना के अनुसार मतदान 28 सितम्बर, 3, 6 और 10 अक्टूबर को होंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा गया है कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या को 1100 के स्थान पर 900 रखा गया है और उसी के अनुसार मतदान केंद्र की संख्या भी बढ़ा दी गई है। मतदान के समय में 1 घंटा की वृद्धि करते हुए मतदान का समय प्रातः 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। आयोग ने सरकार को आचार संहिता की प्रभावी पालना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतः प्रबंधित रहेंगे। राज्य में कार्मिकों के स्थानांतरणों पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक होने पर आयोग से अनुमति लेनी होगी। निर्वाचन आयोग ने मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान एवं आम जन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जिसका टेलीफोन नंबर 0141-222-7786 है। यह नियंत्रण कक्ष प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कार्य करेगा। राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर में नवीन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले विद्यापीठ समिति को आशय पत्र जारी किया गया है। अधिनियम में उल्लेखित शर्तों को पूरा करने के बाद समिति को निजी विश्वविद्यालय शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर मोहम्मद नईम ने बताया कि दिशा निर्देशों के तहत अधिनियम की शर्तों के तहत यह आशय पत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्थायी निधि की स्थापना किया जाना आवश्यक होगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने वेतन कटौती के विरोध में सोमवार को मुख्य सचिव को आंदोलन का नोटिस दे दिया।
नोटिस के जरिए महासंघ ने मांग की है कि कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान देने वाले सभी आदेश निरस्त किए जाएं। प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया है कि सरकार कर्मचारी विरोधी निर्णय ले रही है, इसकी निंदा हो रही है। कर्मचारियों के साथ ही राजपत्रित संवर्ग के अधिकारियों का भी आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। जबरन वसूली का आदेश वापस लें, इसके साथ ही रोके गए वेतन व भत्ते बहाल करें, अन्यथा आंदोलन से माहौल खराब होगा। राजस्थान में भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। कोरोना के बढ़ते असर के चलते धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को पहले ही स्थगित किया जा चुका है। उपखंड स्तर पर विधायक, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, नगर पालिका चेयरमैन, प्रधान और मंडल के अंदर रहने वाले पदाधिकारी ज्ञापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये सभी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद जिला स्तर पर 10 तारीख को कार्यक्रम होगा, जिसमें सांसद, जिलाध्यक्ष, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी, आईटी संयोजक और मीडिया संयोजक जिलाधीशों को ज्ञापन देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और अन्य नेताओं ने सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर में विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 8 सितंबर को विभिन्न मांगों को लेकर प्रस्तावित घेराव के मद्देनजर सोमवार को जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, जिसमें किसान संगठनों ने घेराव को स्थगित करने का निर्णय लिया। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा के साथ 2.5 घंटे चली वार्ता में यह निर्णय लिया गया है कि 8 सितंबर को होने वाला घेराव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर वर्मा ने किसान संगठनों से बात सुनने के बाद बताया कि मूंग व नरमे की फसल खरीद के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा तथा राज्य स्तर तक पैरवी की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार को पुनः लिखा जाएगा। इसी प्रकार फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के लिए डीपीआर राज्य सरकार को भिजवाई जा चुकी है। राज्य सरकार से डीपीआर का अनुमोदन कर दिया गया है। केंद्र जल आयोग से भी अनुमति के साथ ही पंजाब सरकार द्वारा शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बीकानेर कैनाल की सफाई के लिए 20 मार्च 2020 को निविदा लगा दी गई थी, किंतु कोरोना के कारण व्यवधान आया। अब पुनः नए सिरे से इस कार्य को गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत सिख गुरु गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ के कोहला में रविवार को 550 पौधा का रोपण किया गया। जिला वन महोत्सव के अंतर्गत कोहला के वनखंड 15 केएसपी में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन थे। हनुमानगढ़ जिले में सोमवार को 32 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 545 हो गई है, जिनमें से 448 रिकवर हो चुके हैं, 95 केस एक्टिव हैं और 2 की मृत्यु हो चुकी है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि दोपहर को आई रिपोर्ट, जिसमें 27 नए कोरोना पॉजिटिव, 4 रिपीट पॉजिटिव और 222 सैंपल नेगेटिव आए हैं। वहीं 8 सैंपल रिजेक्ट हुए, जिनका दोबारा सैंपल मंगवाया गया है। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण फैलने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार शाम की जांच रिपोर्ट में 38 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि सुबह की जांच रिपोर्ट में 21 रोगी मिले थे। ऐसे में सोमवार को एक ही दिन में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 59 हो गई है। पीएमओ डॉक्टर के एस कामरा ने बताया कि आज शाम मिली जांच रिपोर्ट में अनूपगढ़ कस्बे में 20 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें बीएसएफ कैंपस में 7, आरसीपी कॉलोनी में 1, वार्ड नंबर 15 व वार्ड नंबर 21 में 1-1, पुलिस थाना में 1 कर्मचारी, 1 मुलजिम, उप कारागृह में 1 बंदी, चक 16A में 1, वार्ड नंबर 13 में 1 बैंककर्मी शामिल है। विजयनगर के वार्ड नंबर 5 में 3, वार्ड नंबर 9 व 11 में 1-1, जैतसर वार्ड नंबर 6 में 1, घरसाना देसली में 1, करड़वाली में 1, सूरतगढ़ थर्मल प्लांट में 1, सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 30 में 1, वार्ड नंबर 32 में 1, वार्ड नंबर 20 में 1, राजेसर पुलिस थाना में 1 मुलजिम, पदमपुर के वार्ड नंबर 15 में 1, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय विनोबा बस्ती में 1, वेलकम विहार में 1, प्रेम नगर में 1 व एल ब्लॉक में 1 पॉजिटिव मिला है। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 24 सितंबर तक लिए जाएंगे। राज्य में ईएम द्वितीय, उद्योग आधार मेमोरेंडम, उद्यमी रजिस्ट्रेशन प्राप्त समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में स्थापित उद्योगों को प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक पृथक राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरीश मित्तल ने दी। श्रीगंगानगर के घरसाना पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 13MD में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने एक व्यक्ति के घर पहुंचकर बाइक छीन ली। इस घटना को लेकर अनूपगढ़ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार गांव निवासी मोनूराम ने रिपोर्ट दी कि उसने हिंदुजा फाइनेंस कंपनी से बाइक फाइनेंस करवाई थी। कंपनी के 2 कर्मचारियों ने उसके घर पहुंचकर पत्नी और बेटे से मारपीट की और बाइक छीनकर ले गए। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा पुलिस थाना ने नाकाबंदी के दौरान कार सवार 2 युवकों से अफीम बरामद की।
थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि बड़ोपल तिराहे पर इयोन कार में सवार राजेश कुमार और अमित बिश्नोई को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 800 ग्राम अफीम बरामद की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।